गर्भवती महिला को जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट होता है और यदि ऐसे में उसे पेट दर्द होता है तो वह उसे लेबर पेन समझ लेती है और हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल जाने पर उसे मालूम चलता है कि यह ट्रू लेबर पेन्स नहीं है या फॉल्स लेबर पेन है और इस दर्द में उसे डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा उन महिलाओं के साथ होता है जिनका यह पहला बच्चा है और वो यह नहीं समझ पाती हैं कि यह ट्रू लेबर पेन क्या होते हैं और फॉल्स लेबर पेन क्या होते हैं। तो कोलका बाय द वोमेन फॉर द वोमेन में मैं हूँ डॉक्टर वंदना और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉल्स लेबर पेन एक्चुअली होते क्या हैं। जैसे ही महिला का थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है मीन 7-8-9 मंथ्स, इस टाइम बेबी का साइज बहुत तेजी से बढ़ता है जिसके कारण एब्डोमेन की मसल्स में खिंचाव पैदा होता है और इस खिंचाव के कारण पेट में टाइटनेस आने लगती है जिसे कि हम रक्सटॉनिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कभी कभी इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण महिलाओं को दर्द का भी एहसास होने लगता है जिससे कि वो लेबर पेन समझ लेती हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रू लेबर पेन्स और फॉल्स लेबर पेन में डिफरेंस क्या होता है। ट्रू लेबर पेन हमेशा एक फिक्स इंटरवल पर आते हैं। फिक्स इंटरवल का मतलब होता है कि एक फिक्स, जैसे आपको अभी दर्द आया, इसके 12-13 मिनट बाद ही आपको दूसरा दर्द आएगा। फिर जब दूसरी बार आपको दर्द आया वो आपका थोड़ी देर रहा, 30-40 सेकंड तक रहा, इसके बाद में फिर जब आपको थर्ड बार दर्द स्टार्ट होगा वो भी ठीक उतनी ही देर बाद होगा। धीरे धीरे ये दर्द का जो इंटरवल है ये कम होता जाता है। जैसे स्टार्टिंग में जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो 12-15 मिनट में दर्द हो रहा है, फिर 10-10 मिनट में, फिर 8-8 मिनट में, फिर 4-4 मिनट में, इस तरह से ये इंटरवल कम होता जाता है, पर ये एक फिक्स इंटरवल के बाद ही होता है। जबकि फॉल्स लेबर पेन में ऐसा नहीं होता है। फॉल्स लेबर पेन में यदि अभी आपको दर्द आया है 15 मिनट में, दूसरी बार दर्द आ जा सकता है आपको 2 मिनट के अंतर से ही, तीसरी बार आपको फिर जब दर्द आएगा तो हो सकता है 20 मिनट बाद आए, चौथी बार हो सकता है आपको 1 मिनट बाद दर्द आ जाए। तो इस तरह से दर्द का इंटरवल ट्रू लेबर पेन में फिक्स रहता है जबकि फॉल्स लेबर पेन में फिक्स नहीं रहता है। दूसरा, जब दर्द आपको आते हैं तो यदि ट्रू लेबर पेन है तो आपकी पोजीशन चेंज करने से ठीक नहीं होगा, जबकि फॉल्स लेबर पेन है वो आपकी पोजीशन चेंज करने से दर्द ठीक हो जाता है। जैसे कि यदि आप बैठे हुए हैं और आपको दर्द हो रहा है तो आप यदि जाकर लेट जाएंगे तो आपका यदि फॉल्स लेबर पेन है तो हो सकता है ठीक हो जाए, या आप कोई काम कर रहे हैं और चल फिर रहे हैं और यदि आप आराम करने लगते हैं तो हो सकता है आपका दर्द ठीक हो जाए। पर यदि ट्रू लेबर पेन है तो वो किसी भी पोजीशन में, फिर आप चाहे आप लेटे हैं या खाना खा रहे हैं या सो रहे हैं या चल फिर रहे हैं, कुछ भी आप कर लें, आपका दर्द जो कंटिन्यू बना हुआ है, जो फिक्स इंटरवल पर आ रहा है, तो वो आता ही रहेगा। दूसरा, दर्द की इंटेंसिटी या दर्द की तीव्रता ट्रू लेबर पेन में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे कि अभी यदि आपको हल्का फुल्का दर्द हो रहा था, 4 घंटे बाद आप देखेंगे तो वो और ज़्यादा होने लगा, 6 घंटे बाद में और सीवियर हो गया, 10 घंटे बाद तो इतना ज़्यादा सीवियर दर्द होने लगा कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, अनबियरेबल पेन है। जबकि फॉल्स लेबर पेन में तीव्रता बढ़ती नहीं है। हो सकता है अभी आपको तेज दर्द हो रहा है, रात में आप देखेंगे तो एकदम हल्का सा दर्द हो रहा था, आप सो जाकर सो गए, आपको दर्द पता नहीं चला और बिल्कुल ठीक हो गया, कल आप सुबह सोकर उठे तो फिर हल्का फुल्का दर्द होने लगा। तो इस तरह से उसकी तीव्रता कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। तीसरा जो अंतर होता है ट्रू लेबर पेन्स में, वो पेट दर्द के साथ साथ आपको कमर दर्द होगा, वो रेडिएट होता है दर्द, कमर दर्द होगा, जांघों में दर्द होगा, कमर दर्द होते होते आपको ऐसा लगे कि पूरा पेट दर्द, पेट आपका सामने की तरफ आकर इकट्ठा हो गया है और ये पेट एकदम टाइट हो गया है और बहुत आपको दर्द होने लगेगा। 30-40 सेकंड ये आपको दर्द रहेगा, इसके बाद ये दर्द आपका ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर आपको दर्द होगा, फिर सेम वही पोजीशन आपकी फिर हो जाएगी कि फिर आपको कमर दर्द, पेट दर्द, जांघों में दर्द होगा और पूरा पेट इकट्ठा हो जाएगा। 30-40 सेकंड बाद वो दर्द आपका फिर ठीक हो जाता है। इस तरह से ट्रू लेबर पेन्स होते हैं। जबकि फॉल्स लेबर पेन में यदि आपको पेट में दर्द हो रहा है तो वो रेडिएट नहीं करेगा, ना तो वो कमर में आपको महसूस होगा और ना ही आपको जांघों में महसूस होगा। इसके अलावा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको दर्द ही हो। जबकि ट्रू लेबर पेन्स यदि हैं तो वो आपको दर्द ही महसूस होंगे धीरे धीरे, और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे, पहले हल्के फिर तेज होते जाएंगे। आप
नेक्स्ट सिम्टम है लीकिंग का होना। लीकिंग का मतलब होता है जब बेबी यूट्रस के अंदर आता है तो वो एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर आता है और इस एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर एमनियोटिक फ्लूड भरा रहता है और एमनियोटिक मेम्ब्रेन कभी कभी जब रप्चर हो जाती है तो उसके साथ साथ वो जो फ्लूड है वो बहकर बाहर आने लगता है, जिसे हम कहते हैं लीकिंग का होना। यदि टू लेबर पेन्स है तो हो सकता है कि पहले लीकिंग स्टार्ट हो जाए, पर यदि फॉल्स लिवर पेन है तो फॉल्स लिवर पेन में कभी भी एमनियोटिक फ्लूड की लीकिंग नहीं होगी। नेक्स्ट सिम्टम यदि हम देखें तो ट्रू लिवर पेन्स में अक्सर जब दर्द स्टार्ट हो जाते हैं तो दर्द स्टार्ट होने के कुछ घंटों के बाद में हो सकता है कुछ एकदम म्यूकसी पिंकिश रेड कलर का म्यूकस के साथ में डिस्चार्ज हो, जिसे कि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में शो वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो पिंकिश रेड कलर का डिस्चार्ज है ये हमेशा ट्रू लेबर पेन्स के, फॉल्स लेबर पेन में इस तरह का कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट यदि हम सिम्टम देखें तो वो ये है कि जैसे जैसे ट्रू लेबर पेन्स में दर्द बढ़ते जाते हैं, दर्द हर एक दर्द के साथ में बेबी नीचे खिसकने लगता है, जैसे हम कहते हैं बेबी का हेड डिसेंट हो रहा है, जबकि फॉल्स लिवर पेन में इस तरह से बेबी डिसेंट नहीं होता है, बेबी का हेड डिसेंट नहीं होता है, बेबी जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में बेबी रहता है। तो आज हमने देखा ट्रू लिवर पेन्स और फॉल्स लिवर पेन में क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रू लिवर पेन्स आपके मूवमेंट से या चलने फिरने से या आराम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें यदि दर्द होना है तो वो होना ही है, जबकि फॉल्स लिवर पेन आपकी पोजीशन चेंज करने से ठीक भी हो सकते हैं। नंबर टू, आपकी इंटेंसिटी ट्रू लिवर पेन्स में हमेशा बढ़ती जाएगी, जबकि फॉल्स लिवर पेन में इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी इंटेंसिटी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। नंबर थर्ड, ट्रू लिवर पेन्स में हमेशा इंटरवल एक फिक्स इंटरवल रहता है, मीन्स अभी जितनी देर में दर्द आ रहे हैं उतनी ही देर में नेक्स्ट दर्द आएगा, जबकि फॉल्स लिवर पेन में इंटरवल बदलता रहता है, कभी 2 मिनट में दर्द आएंगे कभी 10 मिनट में दर्द आएंगे। नंबर फोर, ट्रू लिवर पेन्स में एक पेन का एक फिक्स पैटर्न रहता है, जबकि फॉल्स लिवर पेन में कोई पैटर्न नहीं रहता है। नंबर फाइव, ट्रू लिवर पेन्स हमेशा ही ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के साथ में आएंगे, मीन जब आपको दर्द आएंगे तो उस टाइम आपका पेट एकदम टाइट हो जाएगा और जैसे ही आपका दर्द खत्म होगा आपका पेट एकदम ढीला हो जाएगा, जबकि फॉल्स लिवर पेन में ऐसा नहीं होता है, कभी आपका पेट टाइट होगा जिसके कारण आपको अनकम्फर्टेबल लगेगा, कभी आपको दर्द आएगा। ट्रू लिवर पेन में आपको सीवियर पेन होगा, जबकि फॉल्स लिवर पेन में केवल आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको पेन नहीं होगा। नंबर सिक्स, ट्रू लिवर पेन में हो सकता है आपको लीकिंग हो सकता है लीकिंग ना भी हो, जबकि फॉल्स लिवर पेन में कभी भी आपको लीकिंग नहीं होगी। नंबर एट, ट्रू लिवर पेन्स में आपको वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, ये वेजाइनल डिस्चार्ज आपको पिंकिश रेड कलर का होगा, जबकि फॉल्स लिवर पेन में कोई भी वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं होगा। नंबर नाइन, जब भी आपको ट्रू लिवर पेन्स होंगे तो हर एक दर्द के साथ में बेबी डिसेंट होता जाता है, नीचे की तरफ खिसकता जाता है, जबकि फॉल्स लिवर पेन में दर्द के साथ में आपको बेबी की पोजिशन में कोई भी अंतर दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ट्रू लिवर पेन्स अक्सर आपको 8.5 महीने के बाद ही स्टार्ट होंगे, मीन्स 37 वीक्स के बाद ही आपको स्टार्ट होंगे, जबकि फॉल्स लिवर पेन आपको पूरे 9th मंथ में कभी भी महसूस होने लगेंगे, स्पेशली 7, 8, 9th मंथ में, या अक्सर आपको ऐसा लगेगा कि पेट दर्द हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ट्रू लिवर पेन्स और फॉल्स लिवर पेन में अंतर समझ में आ गया होगा, पर फिर भी यदि आपके ट्रू लिवर पेन्स और फॉल्स लिवर पेन के बारे में कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।